काशीपुर में आज स्थानीय विधायक ने नगर निगम में मेयर उषा चौधरी की अध्यक्षता में पार्षदों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान पार्षदों ने आपके माने दे की मांग भी विधायक के सामने रखी। बीते 6 जुलाई को नगर निगम के मीटिंग हॉल में काशीपुर में कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलते मामलों को लेकर बुलाई गई आपात बैठक के दौरान पार्षदों ने स्थानीय विधायक हरभजन सिंह चीमा से आज अपनी समस्याओं को लेकर 1 घंटे के लिए बैठक का समय मांगा था, जिसके तहत आज नगर निगम के मीटिंग हॉल में आज स्थानीय विधायक हरभजन सिंह चीमा ने नगर निगम के सभी 40 वार्डों के पार्षदों की समस्याओं को लेकर उनके साथ नगर निगम मेयर उषा चौधरी की अध्यक्षता में एक बैठक आउट की। बैठक में पार्षदों ने मुख्य रूप से नगर निगम के MNA प्रकाश चंद के स्थानांतरण की मांग विधायक के सामने रखी। तो वहीं बैठक के माध्यम से पार्षदों ने अपने मानदेय की पुरानी मांग विधायक चीमा के सामने रखी। बैठक के बाद स्थानीय विधायक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि MNA के स्थानांतरण का मुद्दा उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का मुद्दा है। इस बीच विधायक मीडिया से बात करते हुए विधायक पार्षदों को रुद्रपुर का हवाला देते हुए धरने और प्रदर्शन का रास्ता बता गए। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय में किसी भी अधिकारी का स्थानांतरण आम जनता में हलचल पैदा कर सकता है, इसलिए अधिकारी की इस समय की गई त्रुटियों को उन्हें अवगत कराया जाए और सुधार किया जाए। पार्षदों की मानदेय के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मैं पहले भी विधानसभा में पार्षदों की इस समस्या को रख चुका हूं। काशीपुर का ही नहीं बल्कि प्रदेश के सभी नगर निगमों का मुद्दा है कि मैं अपने विधायकीय अदारे में कार्य करते हुए कहीं भी हमारे जो नगर निगम का अदारा है उसको कभी मैं डिस्टर्ब नहीं करता। निगम अपनी जगह काम करे और विधायक अपनी जगह काम करे, क्षेत्र एक ही रहता है ऑलमोस्ट, इससे विकास होता है। लेकिन कभी कभी जब यहाँ के पार्षदगण अगर वो मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरे रास्ते बंद नहीं हैं, आ जाते हैं, प्यार से अपनी सारी बात को रखते हैं और उनकी बात को संज्ञान लिया जाता है। लेकिन उन बातों का, जिन बातों पर सीधे तौर पर नगर निगम संज्ञान ना ले रहा हो और वो ये बातें जो हैं ये विधानसभा लेवल की या हमारे लेवल की या हमारे मुख्यमंत्री जी की बात हो तो उनको हम संज्ञान लेने का मैं प्रयास करता हूँ। बहुत सारे मसले हल कर दिए जाते हैं, इसलिए आज पिछली 6 तारीख को यहाँ पर एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में मैं आया था तो उसमें पार्षदगण ने ये कहा था कि चीमा जी आप हमें 9 तारीख को 11:30 बजे आप थोड़ा 1 घंटे का समय दे दें। आज उसी 1 घंटे के समय देने के बाद मैं यहाँ पर आया था। पार्षदगण आए हैं, माननीय उषा जी हमारे साथ हैं, उन्होंने छोटे मोटे विषय जो हैं वो तो मैंने उनको भी ये समझाया कि ये नगर निगम के लेवल के जो विषय हैं वो नगर निगम में अगर आप बोर्ड में रखेंगे तो उनका सलूशन नगर निगम के द्वारा निकाल दिया जाएगा। लेकिन ऐसे विषय जो आप नगर निगम के अधार में तो हैं लेकिन बोर्ड में नहीं रख सकते, वो विषय जो उन्होंने मेरे पास रखे हैं उन विषय का मैं संज्ञान लूँगा और उनको मैं विधानसभा में भी उठाने का पूरा प्रयास करूँगा।